पोर्टफोलियो थ्योरी, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि पोर्टफोलियो थ्योरी क्या है, इसको पढ़ने का मेन दरकार क्या है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज होता है वो होता है रिस्क का डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। रिस्क का डाइवर्सिफिकेशन कैसे होता है, एकदम ध्यान से सुनो, ठीक है। आज जैसे अगर हम लोग इंडियन मार्केट्स का बात करेंगे तो निफ्टी 50 है, राइट। सो निफ्टी 50 इज द कलेक्शन ऑफ टॉप 50 स्टॉक्स, कोई सेक्टर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, अलग अलग सेक्टर से, ठीक है ना, स्टॉक्स इसमें डाले हुए। जैसे मान लो तुम्हारा इसमें तुम्हारा टीसीएस होगा, एचडीएफसी बैंक होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज होगा, आईटीसी होगा, जो टॉप 50 कंपनीज है वो आपको निफ्टी 50 में मिलेंगे। ये हम लोग का इंडिया का इकोनॉमी रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग का इंडिया का इकोनॉमी कैसा है, ठीक है, कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो रिस्क कटने का बात क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो अगर मेरे पास में 1 लाख रुपया है, आज के दिन पे देखा जाए तो आईटीसी बहुत सेफ कंपनी है, डिविडेंड यील्डिंग कंपनी है। डिविडेंड यील्डिंग मतलब इसका डिविडेंड बहुत अच्छा है, 5% to 6% का इसका डिविडेंड यील्ड है, ठीक है। जब शेयर प्राइस 200 रुपया था तो अप्रोक्सीमेटली 10 रुपए का डिविडेंड मिलता था। सो फॉर्मूला क्या बोलता है, डीपीएस बाय एमपीएस, डिविडेंड पर शेयर बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। तो दिस इज द डिविडेंड यील्ड व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 5%, ठीक है। तो अगर मान लो मैं पूरा 1 लाख रुपया आईटीसी में अगर मैं लगा देता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आईटीसी मान लो 10% ऊपर जाएगा तो मेरा पोर्टफोलियो 10% अप, अगर आईटीसी 10% नीचे जाएगा तो मेरा पोर्टफोलियो 10% डाउन, राइट। तो मान लो अगर 10% ऊपर जाएगा तो 10,000 प्लस हो जाएगा, और अगर नीचे जाएगा तो 10,000 माइनस हो जाएगा। आईटीसी कंपनी का डूब गया। आईटीसी क्या बनाता है, इंडियन टोबैको कंपनी, राइट। अब जैसे ये नाम है ना इंडियन टोबैको कंपनी, वैसे क्या है कि हर कंट्री का एक टोबैको कंपनी है, ठीक है। सीलोन का हो गया, या फिर मान लो हर कंपनी का एक टोबैको कंपनी, हर कंट्री का एक टोबैको कंपनी होता है, ठीक है। तो ये टोबैको अब इंडिया में जब आया तो इंडियन टोबैको कंपनी नाम आईटीसी। आज के दिन पे आईटीसी इज वेल डाइवर्सिफाइड, आईटीसी अपने आप में क्या है, बहुत ज्यादा वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है। वो खाली सिगरेट मेकिंग नहीं है, वो होटल्स में भी है, वो एफएमसीजी सेक्टर में भी है, और बहुत सारे और बिजनेस करता है, राइट। आज के दिन में आप जो बिंगो खाते हो, आप जो आईटीसी की प्रॉपर्टी सोनार है, ताज है, तो ऐसे ताज तो टाटा का हो गया, बेसिकली आईटीसी सोनार एंड आईटीसी रॉयल बंगाल हो गया, आईटीसी के प्रॉपर्टीज हर जगह में आपको मिलेंगे, राइट। सो बेसिकली अब जैसे मान लो मेरे को पैसा मिला फर्स्ट टाइम, मैंने पूरा का पूरा पैसा जो है वो मैंने आईटीसी में लगा दिया, तो इसमें क्या है, आईटीसी का ना एक सिग्मा होगा, सिग्मा आईटीसी का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आईटीसी का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो है तुम्हारा 10% का, ठीक है, और एक जो तुम्हारा सिग्मा ऑफ रिटर्न है वो है तुम्हारा अगेन 8% का। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, ऑन एवरेज सिग्मा ऑफ रिटर्न है ना, ये तो सिग्मा ऑफ रिटर्न है, तो ऑन एवरेज तुम्हारा जो रिटर्न है वो कितना ऊपर नीचे कर सकता है, ठीक है ना। सिग्मा डिनोट्स द वोलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक, ठीक है। सिग्मा से क्या पता चलता है, सिग्मा से हम लोग को पता चलता है स्टॉक प्राइस का वोलेटिलिटी कितना है। पहले ये समझ लेना कि ईआर क्या होता है और सिग्मा क्या होता है, ठीक है। अब एक चीज समझना, अभी मैंने पूरा जो 1 लाख रुपीज है वो पूरा आईटीसी में लगा दिया, ठीक है। अगर मान लो गवर्नमेंट बोलता है, अब जैसे तुम देखिएगा सिगरेट जो लोग पीता है, ठीक है, तो सिगरेट का डब्बा के पीछे में क्या है, लंग्स का फोटो रहता है, और वो कंपलसरी है सिगरेट मेकिंग कंपनीज के लिए, कंपलसरी है कि आपको ये फोटो लगाना पड़ेगा। इसको सिगरेट छोड़ो कैंपेन मतलब अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है कि कितना खराब है आपके लंग्स के लिए, आपके शरीर के लिए, ठीक है। हार्ट डिजीज भी सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है, तो ये जो है उससे सिगरेट का सेल्स में इंपैक्ट आया, ठीक है। तो आईटीसी का जो है हिट किया होगा, दो आईटीसी बहुत ज्यादा वेल डाइवर्सिफाइड है, बट स्टिल उसका वन ऑफ द मेजर सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू इज सिगरेट, ठीक है, जो कि हार्मफुल है। गवर्नमेंट कोई भी दिन बैन लगा सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट कोई भी दिन बैन, लेकिन गवर्नमेंट को बहुत अच्छा टैक्स आता है तो गवर्नमेंट बैन नहीं लगा, राइट, ठीक है। गवर्नमेंट बैन अपने रेवेन्यू के लिए नहीं लगा, ठीक है। तो
अब जैसे क्या है कि आप जब कभी भी कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आप क्या देखते हो कि मतलब ये कंपनी वेल डाइवर्सिफाइड है कि नहीं, आईटीसी है, ठीक है। और आप क्या चाहोगे कि आप अक्रॉस सेक्टर्स डाइवर्सिफाई करो, जैसे कि आप अगर पैसा जब लगा रहे हो तो आप ऐसा कभी पोर्टफोलियो नहीं बनाओगे कि आपने लगाया 1 लाख रुपया आपके पास में है, ठीक है ना, आपने 30% लगा दिया एचडीएफसी बैंक में, ठीक है, आपने 10% लगा दिया आईसीआई बैंक में, ठीक है, आपने 20% लगा दिया एसबीआई बैंक में, एंड जो बैलेंस आपका 40% है 1 लाख रुपए का, वो आपने अदर स्मॉल बैंक्स में लगा दिया, ठीक है। आप ऐसा क्यों नहीं करोगे? इससे आपका जो पोर्टफोलियो है वो पूरा बैंकिंग सेक्टर के तरफ में क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। इंडिया में एक और इंडेक्स है जिसका नाम है बैंक निफ्टी, जिसका नाम है बैंक निफ्टी। नाउ व्हाट इज बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी इज द कलेक्शन ऑफ टॉप 12 बैंकिंग स्टॉक्स ऑफ इंडिया, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या है, आपका इंडेक्स है, इसका वैल्यू है मोटा मोटी 44,000 का, जहां पर तुम्हारा निफ्टी अभी 18,000 के आसपास चल रहा है, इसका 3 गुना, मोटा मोटी 3 गुना चल रहा है, ठीक है। तो अगेन बैंक इज वेरी वॉलेटाइल, क्यों? बिकॉज बैंक बहुत ज्यादा लेवरेज लेके रखता है। बैंक का काम क्या, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, लोन देना, राइट। बैंक अगर 1,000 करोड़ का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, 1,000 करोड़ का बैंक अगर 1,000 करोड़ का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, तो बैंक 800 करोड़ का क्या करेगा, लोन दे देगा। फिर ये जो लोन दिया, ये क्या है, ये बैंक का एसेट है। जो बैंक ने लोन दिया है वो बैंक का एसेट है, वो अपना एसेट बुक दिखाएगा, बोलेगा मेरे को और लोन दीजिए, और लोन देगा, फिर दोबारा से लोन लेके, और इस तरीके से ये साइकिल रिपीट होता है जब तक बैंक का एक सॉल्वेंसी कैपिटल मीट होता है, ठीक है ना। तो अब वेल डाइवर्सिफाइड क्या है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। और अगर हम किसी एक स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो क्या दिक्कत है, ठीक है। आज एक ट्रेडर जो होता है या फिर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है ना, तुम देखिएगा जो मार्केट का जिसको आइडिया है वो अब बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करता, कचरा नहीं करता अपना पोर्टफोलियो। फिर क्या होगा, तुमको ट्रैकिंग इश्यूज होंगे। आज तुम एक कंपनी के बारे में ट्रैकिंग करना है तो तुम पूरा दिन उसका रिसर्च कर रहे हैं, तुम उसका रिपोर्ट स्टडी कर रहे हैं, बट तुम 100 कंपनी में पैसा लगा दिया, तुम 1 लाख रुपया में 1,000 रुपये में डिवाइड किया, तुम 100 कंपनी में पैसा लगा दिया, तो उससे भी तुम्हारा पोर्टफोलियो का रिटर्न बहुत अच्छा नहीं आएगा, समझ गया। तो अब हम लोग को क्या समझना है कि अगर मान लो गवर्नमेंट कोई दिन बैन लगा दिया और बोला आईटीसी, आईटीसी इज द मेन, ठीक है ना, जो तुम्हारा जितना भी सारा क्लासिक मतलब जो भी सब आई, तो उससे क्या हुआ, आईटीसी का स्टॉक प्राइस 50% गिर गया, 50% गिर गया। 50% गिरने से क्या होगा, 50% गिरने से क्या होगा, तुम्हारा पोर्टफोलियो में 50,000 का नुकसान आ जाएगा, राइट। तुम्हारा पोर्टफोलियो 50,000 का नुकसान आ जाएगा। तो अगर तुम्हारा पोर्टफोलियो में 50,000 का नुकसान, तुम 1 लाख रुपया लगाया और तुमको 50,000 का नुकसान हो गया, ठीक है ना। आज जैसे सोचो, जो लोग भी मार्केट में एंटर किए होंगे 2020 में, 2020 में जो लोग कोविड 2020 में आया था ना, तो जो लोग भी मान लो जनवरी में एंटर किए, तो जो लोगों का क्या हाल हुआ होगा, मान लो जो जनवरी में 5 लाख रुपया लगाया होगा उसका तो 50 से भी ज्यादा % वाइप ऑफ हो गया होगा 2-3 महीना में। क्या वो जीवन भर में कभी भी लगा पाएगा स्टॉक मार्केट में? ऐसा नहीं, डरेगा, जीवन भर में डरेगा, बट ऐसा तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट में रिटर्न बनता है, ऑन एवरेज अच्छा रिटर्न बनता है, अगर आपका पोर्टफोलियो हेल्दी है। पोर्टफोलियो हेल्दी मतलब हर तरीके से आपको डाइवर्सिफाई करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे करता हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, तो ये क्लास जो है ये ऐसा नहीं कि आप लोग को मतलब जो बुक में है देखो ये सब कुछ काम नहीं आएगा, ऑनेस्टली बता देते, तो समझना पड़ेगा पोर्टफोलियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो क्या होता है, सिग्मा क्या है, बीटा क्या है, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, ये सब चीज हम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जैसे क्या है, डाइवर्सिफिकेशन किसको बोलते हैं, तुम पहले देखो कि मार्केट लीडर कौन है, तुम जिस इंडस्ट्री का बात करो उसमें मार्केट लीडर कौन है, ठीक है। आज जैसे बैंक में बात करेंगे तो एचडीएफसी बैंक, इट्स लाइक अ गवर्नमेंट, एचडीएफसी बैंक से बड़ा बैंक नहीं है भाई, उसके एचडीएफसी बैंक का जो मार्केट कैप है उसके अंदर में 10 बैंक घुस जाएगा, उसके अंदर में 10 तो बैंक घुस जाएगा, नहीं समझा क्या, इतना बड़ा बैंक है, समझ गया। तो तुम देखो मार्केट लीडर कौन है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, लास्ट 10 साल में बैंक कैसा रिटर्न डिलीवर किया है। और अब हम लोग को सेक्टर वाइज भी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, जैसे कि आयरन एंड स्टील हो गया, उसके बाद में तुम्हारा इंफ्रा में हो गया, बैंकिंग में हो गया, नेचुरल गैस में हो गया, कुछ पीएसयूज हम लोग लेंगे, ठीक है ना, ऐसे करके अलग अलग एफएमसीजी हम लोग लेंगे, ऐसे करके अलग अलग, फिर तुम्हारा फैशन में हम लोग लेंगे, ऐसे करके अलग अलग सेक्टर्स में भी हम लोग को डाइवर्सिफाई करके एक हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना है,
जैसे अभी आईटी का बहुत ज्यादा वो है, तुम देखा कोविड टाइम में सब वर्क फ्रॉम होम वगैरह चला, तो आईटी कंपनीज बूम्ड, टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, मार्केट लीडर है ये तुम तो मार्केट लीडर है आईटी का। तो हम लोग को देखना मार्केट लीडर क्या है। और एक तुम लोग वर्ड सुना होगा, जैसे तुम लोग जैसे था बीटा, ठीक है, बीटा में थोड़ा देरी में आएंगे, बीटा भी मेजर ऑफ रिस्क है, बीटा भी एक टाइप का मेजर ऑफ रिस्क है। सिग्मा क्या है देखो समझो, सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, सिग्मा हो गया कि स्टॉक का वोलेटिलिटी कितना है, ठीक है। अब एक जो स्टॉक होता है ना, कंपनी का जो स्टॉक होता है उसके अंदर में दो टाइप का रिस्क होता है, एक होता है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, मैंने आज ही घुसेंगे और आज ही निकल जाएंगे, इसके बाद वीडियो देख लेना आज घर में जाकर, मैंने आज ही घुस जाएंगे और आज ही निकल जाएंगे। स्टॉक में कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है, और एक है मार्केट वाइड रिस्क, मार्केट वाइड रिस्क, ठीक है। तो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। आज जैसे मान लो मेरा कंपनी, ठीक है, आज तुम लोग यहाँ बैठा है ऑनलाइन क्लास में, अच्छा मल्टीपल पीपल वांट टू जॉइन दिस कॉल, सुप्रिया गनेरी वाला, यू आर वॉचिंग योर फोन, बाकी लोग अपना कैमरा ऑन करिए, तिशा व्हाट इज द प्रॉब्लम, श्रेय गिनोडिया तुम्हारा तो सर दुख रहा था, कैमरा भी दुख रहा है क्या तुम्हारा, अंश परमर, तीर्थ शाह, और कौन है, हिमाद्री दागा, सब लोग अपना कैमरा ऑन करके बैठेंगे क्लास में, अदिति भल्ला, सुनो। तो ये जो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है, इसका आज जैसे मेरा कंपनी है, तुमको क्या लगता है अगर मैं जिस तरीके से अपना बिजनेस को रन करता हूँ, क्या और कोई कल के दिन में आएगा वो रन कर पाएगा, नहीं रन कर पाएगा। मेरा भाई हो, चाहे मेरी कलीग हो, शिवांगी, कोई भी हो, मेरे जैसा ब्रेन, मेरा जैसा जो कंपनी जो रन करने का जो स्ट्रेटेजी है वो और कोई नहीं रन कर पाएगा, ठीक है ना। आज जैसे तुम लोग को शायद पता नहीं होगा, हम लोग टाटा के बारे में सुने हैं, राइट, टाटा इतना बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है, हम लोग क्या बोलते हैं इसमें रतन टाटा एसोसिएटेड है, चलो तो टाटा बाय कर लेते हैं, एक्चुअली इट्स पार्शली करेक्ट, उसके वैल्यूज कंपनी में है, कंपनी को बनाने में उसका बहुत बड़ा एक हाथ है, बट तुमको पता है टाटा ग्रुप इज मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल्स, इट्स अ प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी, ऑटो पायलट मोड में वो चलता है। माने ऑटो पायलट मोड से मेरा बोलने का मतलब ये है कि उस कंपनी का कोई मालिक नहीं है, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन मिलके उसको रन करता है, इट इज रन बाय प्रोफेशनल्स, समझ गया, प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी क्या होता है, माने मालिक नहीं भी है ना तो भी वो एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस से चलता है, ठीक है। आज इंडिया में सबसे बड़ा ब्रांड टाटा है, मतलब उसके आगे कुछ भी नहीं, समझ रहे, तुम जितना सारा डे टू डे तुम देख लो, तुम एरोप्लेन देख लो, तुम चाहे एफएम, तुम कुछ भी देखेगा ना तो तुमको टाटा का जरूर मिलेगा, ठीक, तुम गाड़ी देख लो, समझ रहे। तो बेसिकली इट इज एज गुड एज द गवर्नमेंट हो, तुम अगर टाटा का शेयर बाय करता, मतलब एज गुड एज गवर्नमेंट। लोग क्या बोलते हैं कि अगर आज हम टाटा का शेयर बाय कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम एक बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड पूरा उसका बाइक, टाटा इज नॉट ए टाटा स्टील, नो, टीसीएस देख लो तुम, ठीक है ना, तुम कुछ भी देख लो टाटा का, जितना सारा लिस्टेड शेयर्स है तुम जितना भी सारा देखेगा सब में तुमको, आज जैसे मैं तुमको एग्जांपल लेता हूँ, एचडीएफसी का एग्जांपल लो, एचडीएफसी ग्रुप का एग्जांपल लो, एचडीएफसी है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी लाइफ है, एचडीएफसी अर्गो है, एचडीएफसी एएमसी है, सब तो एचडीएफसी का ही है ना, सबका अलग अलग विंग्स आ गया है, समझा। तो अब जैसे क्या है, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क क्या है कि भाई कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग चेंज हो गया, ठीक है, कंपनी का ऑपरेशनल एरर्स बहुत ज्यादा आ रहे, कंपनी का सिस्टम उतना अच्छा, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल्स वीक हो गया, ठीक है, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल्स वीक हो गया। आज जैसे हम लोग का जो वीडियो है, हम लोग का इंटरनल कंट्रोल वीक हो गया जब हम लोग मैकबुक में ड्राइव एक्सेस देने लगे, हमारा वीडियोस ब्लैक मार्केट में सेल होने लगा, ठीक है, हमने अपना इंटरनल कंट्रोल को जैसे ही हमारे पास खबर आया, साल भर हमने नॉनसेंस को टॉलरेट किया, हमने सबको बोल दिया आपको चाहिए तो आप रिफंड ले लीजिए, लेकिन हम लोग और ड्राइव पे नहीं, हमने उसको तोड़ा, हमने अपने इंटरनल को स्ट्रॉन्ग किया, कैसे किया, हमने नया प्लेयर पूरा बना लिया जो मैकबुक पे भी रन करता है आज के दिन, ठीक है ना। तो कंपनी का इंटरनल कंट्रोल वीक हो गया, प्रमोटर होल्डिंग चेंज हो गया, ठीक है, तो ये कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क क्या होता है कि भाई वो रिस्क जो खाली कंपनी, कंपनी का फाइनेंशियल बहुत खराब हो गया, कैसे खराब हो गया, कंपनी का कैश मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, कंपनी ने बहुत ज्यादा लोन ले लिया, उल्टा फुल्टा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ले लिया कंपनी,
ठीक है, कंपनी कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग चेंज होने की वजह से कंपनी का विजन पूरा हिल गया। कंपनी ऐसे ऐसे रिस्की बिजनेस कर रहे हैं जिससे कि आज के दिन पे इक्विटी शेयर होल्डर लोग कंपनी छोड़ के जाना चाहते हैं। आज जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना, हम कुछ उटपटांग टाइप का काम करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे कि ना हमें एक हॉस्पिटल, उसके बारे में हमको कोई एक्सपर्टीज नहीं है, कंपनी अलग ही टाइप का चीज कर रहे हैं, कंपनी बहुत ही रिस्की ऑपरेशन कर रहे हैं, तो शेयर होल्डर लोग बोलेंगे आई वॉन्ट एन एग्जिट फ्रॉम द कंपनी। क्यों? बिकॉज मेरा पैसा, मेरा हार्ड एंड मनी लगा हुआ है आपकी कंपनी में, ठीक है ना। तो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क वो चीज है जो खाली कंपनी को इंपैक्ट करता है, और एक होता है मार्केट वाइड रिस्क। फॉर एग्जाम्पल अभी ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन है, तो देखो जितना भी सारा कंसल्टिंग कंपनी है, मैकेंजी, बीसीजी, बेन हो गया, एक्सेंचर हो गया, ये सब मास ले ऑफ कर रहे हैं, अमेजोन हो गया, ठीक है, आईटी कंपनीज हो गई, ये सब मास ले ऑफ कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ग्लोबल इतना काम ही नहीं है। आज इंडिया में कितना सारा केपीओज है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सर्स, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बेसिकली बाहर का काम इंडिया में आता है। तो मार्केट वाइड रिस्क, जैसे तुम्हारा जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट्स हो गया, ऑयल प्राइसेस हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, ठीक है ना। तो ये मार्केट वाइड जो चीज होता है, जो एज अ होल पूरा मार्केट को इम्पैक्ट कर रहा है, और इनडायरेक्टली वो तुम्हारा कंपनी को भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो जब तुम डाइवर्सिफाई करते हो, तो तुम क्या चीज को एलिमिनेट कर सकते हो? कंपनी स्पेसिफिक रिस्क को, समझा? कंपनी खराब काम कर रहा है, कंपनी के फैक्ट्री में आग लग गई है, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल भी, कंपनी का फाइनेंशियल स्किल किया है, कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, कंपनी ने बहुत ज्यादा रेट पर लोन ले लिया, ठीक है, तो कंपनी का बिजनेस नहीं चल रहा है, कंपनी का सेल्स गिर गया, तो ये सब कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर है। कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग चेंज हो गया, कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर है। कंपनी पे बहुत बड़ा फ्रॉड सामने आ गया, ठीक है ना, ये कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर है। तो डाइवर्सिफिकेशन क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग को रिस्क को कम करना है, चीज समझ लेना, रिस्क सबसे बड़ा चीज है। आज तुम इक्विटी मार्केट में जब तुम पैसा लगाएगा, तो सबसे पहले तुमसे क्या चीज पूछा जाएगा? सबसे पहले तुम जैसे मान लो तुमको कोई बोला कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, तुम क्या बोलेगा? पैसा ऊपर कितना जाएगा वो छोड़ो, रिस्क कितना है पहले ये बताओ, नीचे जाने का पहले रिस्क बताओ। यही तो पूछते हैं हम लोग, हम लोग क्या बोलते हैं, नीचे जाने का पहले रिस्क बताइए कि नीचे कितना जा सकता है, पहले ये बताइए। तो रिस्क जो है हम लोग को कम करना है, और कम रिस्क में हम लोग को जितना ज्यादा हो सके रिटर्न अचीव करना है, जितना कम रिस्क हो और जितना ज्यादा रिटर्न हो, ये हम लोग को अचीव करना है, और कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न अचीव करने को ही एफिशिएंट पोर्टफोलियो बिल्डिंग बोलते हैं, ठीक है ना। इनएफिशिएंट क्या हुआ? जो एफिशिएंट नहीं है। इनएफिशिएंट क्या हुआ? जो एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंसी दो तरीके से, पहला रिस्क कमाना है, दूसरा रिटर्न को बढ़ाना है, ठीक है ना। तो इनएफिशिएंट क्या हुआ? जो एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट वाइड रिस्क है। तुम मान लो एक कंपनी के जगह में तुम 10 कंपनी में पैसा लगा दिया, मैंने बोला तुम्हारे पास में 1 लाख रुपया है, ठीक है, तुम इसको डाइवर्सिफाई कर लिया अक्रॉस सेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल तुम सोना खरीद लिया, तुम चांदी खरीद लिया, तुम बॉन्ड खरीद लिया, तुम इक्विटी खरीद लिया, पहले तुम सेक्टर, फिर इक्विटी में भी जब तुम लगाया, तो तुम खाली एक कंपनी में लगाया, तुम बहुत सारा कंपनी में लगाया, लेकिन तुम पूरा पैसा इक्विटी में लगा दिया। अगर तुम पूरा पैसा इक्विटी में लगा दिया, तुम 10 कंपनी में लगाया 10-10 हजार रुपए करके, तुम 10 कंपनी में लगा दिया 10-10 हजार रुपए करके, डाइवर्सिफिकेशन ये नहीं है कि तुम 10 कंपनी में लगाया, तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं था कि तुम 10 बैंक पे पैसा लगा दिया। अगर इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो सारा बैंक इंपैक्ट होगा, अगर बढ़ेगा तो सारा, तो कोरिलेटेड है ना, कोरिलेटेड है। तुम जैसा डाइवर्सिफिकेशन किया उससे कुछ नहीं होगा, तुम एक ही सेक्टर में पैसा लगा दिया, इसको बोलते हैं पॉजिटिवली कोरिलेटेड स्टॉक्स, पॉजिटिवली कोरिलेटेड स्टॉक। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा रिस्क कमेगा बट पूरा नहीं कमेगा। तुम लोग का टारगेट क्या है? हम लोग का टारगेट ये है, हम लोग को ढूंढना है नेगेटिवली को रिलेटेड, नेगेटिवली को रिलेटेड स्टॉक्स। सर नेगेटिवली कोरिलेटेड का मतलब क्या होता है? जैसे मैं एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूं, नेगेटिवली कोरिलेटेड स्टॉक्स, ठीक है, एक हो गया तुम्हारा आइसक्रीम कंपनी, ठीक है, वुलन क्लोथ्स, ठीक है, आइसक्रीम कंपनी वुलन क्लोथ्स हो गया। अब समझो तुम पूरा पैसा अपना आइसक्रीम कंपनी में लगा दिया, ठीक है,
तो सीजनल सेल्स होगा इसका। आइसक्रीम सबसे ज्यादा कब बिकता है? गर्मी में। पूरा पैसा अपना वुलन क्लॉथ में लगा दिया तो सबसे ज्यादा कब बिकेगा? ठंडा में, राइट। अब डर किस चीज का है? हम लोग ऑप्शंस पढ़े, डर किस चीज का है आइसक्रीम कंपनी में? अगर गर्मी ज्यादा नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर सर्दी ज्यादा नहीं हुआ तो क्या होगा वुलन क्लॉथ में? ये डर है ना, तो डाइवर्सिफाई कैसे करेंगे? आधा इसमें लगाइए और आधा इसमें लगाइए। अब तुम चीज समझो, अब ऐसा क्यों बोले हम? इसको बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन वाला चीज। क्यों बोलो तो? अगर मान लो ठंडा बहुत ज्यादा हो गया, ठंडा बहुत ज्यादा हो गया तो वुलन क्लोथ का सेल तो डबल ट्रिपल हो जाएगा, राइट। तुमको इससे बहुत अच्छा रिटर्न आएगा, बट हो सकता है तुम इसमें पैसा लूज कर जाओ, हो सकता है तुम इसमें पैसा लूज कर जाओ, बट तुम्हारा एवरेज रिटर्न तो स्टैब्लिश हो गया ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड, मतलब 2 डिग्री। अब की बार का दिल्ली का ले लो एग्जाम्पल, समर में तो 50 डिग्री हो गया था, और मान लो थ्रू आउट द ईयर 2 डिग्री रहा थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, तो आइसक्रीम तो उतना बिकेगा नहीं। आइसक्रीम तो बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा ना। तो मान लो आइसक्रीम में तुमको एकदम नॉमिनल रिटर्न आया 1% का, ठीक है, एकदम नॉमिनल रिटर्न आया 1% का, मतलब पूरा साल में कंपनी सिर्फ 1% रिटर्न कमाया अपना पैसा पे। जो रेट ऑफ रिटर्न होता है ना कंपनी का, सिर्फ 1% आया, 1%, ठीक है, यहां पर तुम कमाया 15%, ठीक है। अब तुम दोनों में 50-50 लगाया है, दोनों में 50-50 लगाया है, तो क्या होगा बताओ? 0.5, 1 + 15 तो कितना आ गया? 8% आ गया, समझा? हाँ, अब रिस्क का बात करूं तो, रिस्क का बात करो, रिस्क में तुम्हारा ऑलमोस्ट जीरो है इसमें। रिस्क कैसे जीरो है हम तुमको समझा देते हैं, रिस्क कैसे जीरो है। अब जब वुलेन क्लोथ का शेयर प्राइस बढ़ रहा है ना, तो इसका शेयर प्राइस गिर रहा है, जी समझो? वुलेन क्लोथ का जब शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो इसका शेयर प्राइस गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि इसका बढ़ने से इसका गिर रहा है? क्योंकि नेगेटिवली कोरिलेटेड है ना, नेगेटिवली कोरिलेटेड स्टॉक्स है ये। हम लोग का पर्पस सिर्फ एक ही है, नेगेटिवली कोरिलेटेड स्टॉक्स को हम लोग को ढूंढना है। जितना नेगेटिव को, ऐसा परफेक्ट नेगेटिव होता नहीं है एक्चुअली, सारा स्टॉक भी आपस में कोरिलेटेड होता है, क्योंकि बहुत सारा फैक्टर्स ऐसा है जिसको तुम डाइवर्सिफाई करने के बाद में भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, जो मार्केट वाइड फैक्टर्स है। और मार्केट वाइड फैक्टर्स, और ये जो मार्केट वाइड फैक्टर्स है ना, इसी को हम लोग को बीटा बोलते हैं। ये पूरा स्टॉक का सिग्मा हो गया, सिग्मा को 2 पार्ट में लोग डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रिस्क, और इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बीटा। स्पेसिफिक रिस्क का मतलब क्या हो गया? अच्छा, ये वो चीज है जो डाइवर्सिफाई हो सकता है। स्पेसिफिक रिस्क इज समथिंग विच इज डाइवर्सिफाइएबल बाय एंटरिंग इनटू अ पोर्टफोलियो, बट सिस्टमैटिक रिस्क, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क इज समथिंग विच इज नॉट डाइवर्सिफाइएबल, मतलब तुम तो पोर्टफोलियो में एंटर कर भी जाओ तो भी ये रिस्क तो रहेगा ही रहेगा पूरा एकदम। मान लो रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, वो बम फोड़ दिया किसी ने, तो उसका तो पूरा इंपैक्ट पूरा इंडिया में आ जाएगा ना, पूरा ग्लोबल इंपैक्ट आएगा। यूएस में चल रहा है, काम नहीं है उतना, ठीक है, तो उसका तो इंपैक्ट पूरा 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 ग्लोबल में आएगा, ठीक है ना। तो पोर्टफोलियो में एंटर करने के बावजूद भी बहुत सारा रिस्क बच जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क या फिर अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क। वो रिस्क जिसको तुम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकता है आफ्टर एंटरिंग इनटू अ पोर्टफोलियो ऑल्सो, ठीक है। तो बीटा क्या है, समझा? बीटा क्या है? बीटा है कि भाई, और एक चीज है बीटा, और एक चीज है बीटा, बीटा क्या है? बीटा इज द सेंसिटिविटी, सब कुछ लिखवाएगा, कुछ लिखो मत, बीटा इज द सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक टू मार्केट, ठीक है। अगर मान लो बीटा है 1.5, इसका मतलब क्या पता है? अगर मार्केट 2% से गिरता है, अगर निफ्टी, अगर मान लो निफ्टी जो है, अगर वो 2% से गिरता है, तो तुम्हारा जो स्टॉक है वो 2 × 1.5%, विच इज 3% से गिरेगा, समझ गया? इसको बोलते हैं एग्रेसिव स्टॉक। एग्रेसिव स्टॉक, देखो बहुत सारा थ्योरीज है पोर्टफोलियो थ्योरी में, क्या है, बहुत सारा थ्योरी है। एक थ्योरी क्या बोलता है कि भाई, अगर तुमको ये थ्योरी मैं बताया कि भाई तुम एक पोर्टफोलियो में एंटर करो, क्योंकि पोर्टफोलियो में एंटर करने से क्या होता है, रिस्क कटता है,
रिस्क कटता है। रिस्क कटेगा कैसे, तुमको नेगेटिवली कोरिलेटेड स्टॉक सुनने है? नहीं होगा, तो जितना कम हो कोरिलेशन, जितना कम इंडिपेंडेंट स्टॉक सुनेगा ना भाई, इंडिपेंडेंट स्टॉक्स। इंडिपेंडेंट स्टॉक्स का मतलब क्या होता है, अगर एक ऊपर नीचे कर रहा है तो दूसरा स्टेबल रहे, एक ऊपर नीचे कर रहा है तो दूसरा स्टेबल रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल बताता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लग्जरी गुड्स एंड बेसिक नेसेसिटी, चीज समझना। जब लोगों के पास में पैसा बहुत ज्यादा होगा तो लोग क्या करेंगे, लग्जरी गुड्स की तरफ में मूव करेंगे, ठीक है ना, लग्जरी गुड्स की तरफ में मूव करेंगे। बट जब लोगों के पास में पैसा कम होगा तो क्या बेसिक नेसेसिटीज का डिमांड कम हो जाएगा? नहीं, आटा दाल चावल। तुम सोचो तो बेसिक नेसेसिटी में पूरा दिन में क्या आता है, बस बस दिमाग में सोचो, टूथब्रश। व्हाट इज द ब्रांड दैट कम्स टू यू व्हेन आई से टूथब्रश और अ पेस्ट? कोलगेट, समझा? असुम कितना सारा प्रोडक्ट्स एक दिन में हिंदुस्तान यूनिलीवर का यूज करता है। कंपनी पता क्या करता है, अलग अलग ब्रांड से, अलग अलग ब्रांड से, मतलब एक ही कंपनी, एक ही कंपनी है, एक ही कंपनी का नारियल तेल तीन रकम का है, समझा? अगर तुम बोलता ये ब्रांड मेरे को पसंद नहीं है तो ये लेंगे, ये नहीं पसंद है, लेकिन तीनों का ही पैसा कंपनी के पास में आ रहा है, समझा? हाँ, आज जैसे एयर इंडिया और विस्तारा, दोनों ही किसका है, टाटा का है, समझ रहे हैं? तुमको एलीट चाहिए तो विस्तारा में जाओ, तुमको नॉर्मल एयर इंडिया से लग्जरी महंगा होता है टिकट, बट बता रहे हैं दोनों ही एक ही आदमी का है। तो तुम जो ब्रांड जो देखते हैं ना हमेशा, ऐसे जैसे इस कॉम्प्लेक्स में मैं बात करता हूँ, इसमें चार रेस्टोरेंट है, चारों का ऑनर सेम है, तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये स्ट्रेटेजी है भाई। तुम लोग कभी सोचा है, अब जैसे ये जो है डाइवर्ट, जैसे चीज समझो, अभी जैसे क्या है, ये लोग बोलता है बीटा इज द सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक टू द मार्केट, ठीक है? तो बीटा अगर 1.5 है मतलब एग्रेसिव स्टॉक, मतलब मार्केट अगर देखो ऊपर से तो मतलब है ही नहीं ना भाई। तो जब स्टॉक मार्केट का बात करते हो तो नीचे का बात क्या करो, ऊपर का बात मत क्या करो मेरे से। तो नीचे का मतलब बीटा मान लो अगर 2 है तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, मार्केट मान लो 5% आज के दिन में कुछ भी नहीं है, 5% तो कुछ भी नहीं है, एक महीना में मूव कर जाता है, तो अगर मान लो मार्केट 5% नीचे है तो तुम्हारा स्टॉक 10% नीचे होगा। और सर बीटा ही हम लोग देखो, बहुत सारा थ्योरी है जो बोलता है हम लोग सिग्मा लेंगे, बोलता है हम लोग सिग्मा लेंगे, जैसे एमवीपीटी मीन वेरियंस पोर्टफोलियो थ्योरी। पहला थ्योरी क्या बोलता है, एमवीपीटी मीन वेरियंस पोर्टफोलियो थ्योरी, ये बोलता है हमको नहीं पता बाकी सबका, हम सिर्फ दो चीज को कंसिडर करेंगे, स्टॉक का मीन और उसका वेरियंस। इसको बोलते हैं एमवीपीटी मीन वेरियंस पोर्टफोलियो थ्योरी, समझ गया? ये लोग क्या बोलते हैं, हम खाली मीन और वेरियंस को देखेंगे, ठीक है? अब एक चीज समझना, धीरे धीरे करके कैसे डेवलप हुआ, पहले ये लोग बोला कि हम स्टॉक का मीन और स्टॉक का वेरियंस देखेंगे, ठीक है? तो वेरियंस मतलब सिग्मा, सिग्मा में क्या क्या आ गया, स्पेसिफिक रिस्क भी आ गया और बीटा भी आ गया, दोनों चीज आ गया ना, सिग्मा में दोनों चीज आ गया। धीरे धीरे करके डेवलप हुआ। ये लोग बोलता है कि जब तुमको ये बात मैंने बता दिया कि भाई अगर तुम डाइवर्सिफाई करते हो और तुम जितना कम कोरिलेशन है उसका अगर तुम स्टॉक्स ढूंढते हो तो तुमको क्या होगा, रिस्क कम होगा, रिस्क कटेगा तुम्हारा, और वही तो पोर्टफोलियो में अचीव करना है, डाइवर्सिफिकेशन अचीव करना है, ताकि मेरे को कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न अचीव हो, राइट? तो धीरे धीरे करके जब तुम आएगा, जैसे तुम सीएपीएम मॉडल में आएगा, सीएपीएम मॉडल कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में तुम आएगा, ठीक है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या बोलता है, बोलता है हम लोग ये मान के चलेंगे कि सब लोग, हम लोग मान के चलेंगे कि सब लोग निफ्टी में ही पैसा लगाता है, समझा? सब लोग किस में पैसा लगाता है, मार्केट पोर्टफोलियो में, सब लोग किस में पैसा लगाता है, मार्केट पोर्टफोलियो। ऐसा क्यों? अरे अभी तो बताया कि तुम जब मार्केट पोर्टफोलियो में पैसा लगाएगा तो तुम्हारा रिस्क सबसे कम आएगा, ऑप्टिमल एलोकेशन है मार्केट में। मान लो मार्केट पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, हम लोग टोटल मार्केट कैप निकाले, फॉर एग्जाम्पल टोटल मार्केट कैप में अगर मान लो रिलायंस, अगर मान लो रिलायंस 5% है, टोटल मार्केट कैप कुछ भी हो, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, कुछ भी हो, ठीक है? उसमें मान लो रिलायंस, अगर मान लो टोटल मार्केट कैप है 1 लाख करोड़, फॉर एग्जाम्पल, मेरे को तो आइडिया नहीं है,
अगर मान लो रिलायंस 5% है, मतलब रिलायंस का मार्केट कैप कितना हो गया, 5,000 करोड़, एक हिसाब से समझो ना। तो रिलायंस 5% है ना, मतलब मार्केट पोर्टफोलियो में रिलायंस का वेटेज कितना है, 5% है। तो तुम्हारा भी पोर्टफोलियो में रिलायंस कितना रहेगा, 5% रहेगा। कैसे बता रहे, अब अगर तुम लगाएगा 50,000, तुम 50,000 लगाया मार्केट पोर्टफोलियो में, तो तुम्हारा में रिलायंस कितने रुपया होगा पहले बताओ। इसका 5% कितना हो गया, 2,500। कितना हो गया बोलो, ठीक है ना, 2,500 हो गया, समझा। इसको बोलते हैं सेपरेशन थ्योरम, इस चीज को हम लोग बोलते हैं सेपरेशन थ्योरम। देखो दो ही मेन थ्योरी तुम लोग को पढ़ना है, एक है एमवीपीटी, मीन वेरिएंस पोर्टफोलियो थ्योरी। मीन वेरिएंस पोर्टफोलियो थ्योरी क्या बोलता है कि हम लोग मीन और वेरिएंस को ही इज्जत देंगे। मैंने यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन के बारे में कुछ बात ही नहीं किया गया। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हम लोग जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तब हम लोग जाएंगे सीएपीएम मॉडल में, ठीक है। सीएपीएम मॉडल क्या बोलता है, बोलता है सब लोग अगर पैसा लगाएंगे स्टॉक मार्केट में तो मार्केट पोर्टफोलियो में ही लगाएंगे। क्यों, क्योंकि उससे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन अचीव नहीं हो सकता है। मार्केट पोर्टफोलियो का मतलब क्या हो गया, मार्केट पोर्टफोलियो का मतलब हो गया बीटा है वन। अरे बीटा इज द सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक टू द मार्केट। तो बीटा अगर हम लोग मार्केट पोर्टफोलियो का निकालेंगे तो वन होगा ना, मार्केट का मार्केट के साथ तो वन ही होगा। सब लोग मार्केट पोर्टफोलियो में ही पैसा लगाएंगे, सब लोग मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन अचीव करते हैं, ठीक है ना। ये लोग क्यों लिया एज असम्पशन, एज असम्पशन क्यों, देखो हम बताते हैं। एमपीपीटी में क्या चक्कर है, तुमको मीन चाहिए सबका, तुमको वेरिएंस चाहिए सबका, और तुमको सबका आपस में को वेरिएंस भी तो चाहिए, सबका आपस में को वेरिएंस भी तो चाहिए। तो जैसे मान लो अगर तुम बात करता है तीन स्टॉक का, ठीक है, अगर तुम बात करता है तीन स्टॉक का बात है, तो देखो C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। तो ये तीन तो तुम्हारा क्या हो गया, वेरिएंस हो गया, को वेरिएंस टू का टू के साथ, वन का वन के साथ, थ्री का थ्री के साथ, तो ये तीन वेरिएंस हो गया। बाकी अगर तुम देखेगा कोवेरियंस टू का वन के साथ एंड वन का टू के साथ सेम है ना, वन का थ्री के साथ, थ्री का वन, ये तो सेम ही होगा। तुम लिखता है अगर कोवेरियंस ए बी इज इक्वल टू व्हाट, कोवेरियंस बी ए। तो अगर तीन स्टॉक है तो देखो कितना कोवेरियंस चाहिए, तीन, समझा, चार में और ज्यादा हो जाएगा। तो ये सब जो सारा कोवेरियंस का झमेला है, क्यों एनबीपीटी में सबसे बड़ा दिक्कत क्या आया, पहले ये समझो एमबीपीटी में सबसे बड़ा दिक्कत क्या आ गया, डेटा का। तुमको इतना सारा कोवेरिएंस चाहिए, वो झमेला जटी है। और इसका सबसे बड़ा टारगेट क्या है, अगेन मेरे को एफिशिएंट पोर्टफोलियो बनाना है। एफिशिएंट पोर्टफोलियो क्या करना है, रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है, रिस्क को एकदम कम करना है, रिस्क को एकदम कम करना है, ठीक है। तो हम लोग को यहां पर निकालना पड़ेगा वेट्स। वेट्स मतलब क्या, कि कितना ऑप्टिमल एलोकेशन करें, कितना ऑप्टिमल एलोकेशन करें। मतलब अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है और अगर मेरे को दो स्टॉक में पैसा लगाना है, 1 लाख रुपया है और दो स्टॉक में पैसा लगाना है, तो कितना ऑप्टिमल एलोकेशन हम करें। ऑप्टिमल एलोकेशन से मेरा मतलब ये है, ऑप्टिमल एलोकेशन से मेरा मतलब ये है कि अगर 1 लाख रुपया है तो एक्स ए कितना होगा और एक्स बी कितना होगा। एमबीपीटी का मेन एजेंडा ही यही है, मीन वेरिएंस पोर्टफोलियो थ्योरी का मेन एजेंडा ही यही है, समझ गया, कि हम लोग को एक्स वेट्स निकालना है। इतना वेट्स में सबसे ज्यादा कम वेरिएंस अचीव होगा, सबसे ज्यादा कम रिस्क अचीव होगा या फिर रिटर्न मैक्सिमाइज होगा, ठीक है ना। मेरे को एक्स ए और एक्स बी निकालना है। तो ये जो पूरा झमेला था को वेरिएंस का, इस पूरा झमेला को खत्म कर दिया, इस पूरा झमेला को खत्म कर दिया। पूरा झमेला को खत्म कैसे कर दिया, किसमें खत्म कर दिया, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। क्या बोला, बोला आपको ये सब निकालने का दरकार ही नहीं है। क्यों नहीं दरकार है, क्योंकि सेपरेशन थ्योरम आ गया। सेपरेशन थ्योरम क्या बोलता है, सेपरेशन थ्योरम बोलता है कि ऑप्टिमल एलोकेशन क्या है, सब लोग अपना पैसा मार्केट पोर्टफोलियो में लगाए। मार्केट पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक है, पूरा मार्केट में मान लो 10 स्टॉक है, तो 10 स्टॉक का X1, X2, X3, ये तो हम लोग को पता होगा ना। अगर टोटल मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ और
उसमें अगर एचडीएफसी बैंक है 2,000 करोड़ का, तो मार्केट में एचडीएफसी कितना का हुआ? 2%। तुम्हारा पोर्टफोलियो में भी 2% क्या होगा? एचडीएफसी। तुम मान लो 10,000 रुपया लगाता है, तो 10,000 का 2% कितना हो गया? 200। तो 200 रुपए का तुम्हारा पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक रहेगा, समझा? तो वहां पर क्या बोलता बोलता, सब लोग पैसा किसमें लगाएगा? सब लोग पैसा किसमें लगाएगा? सीएपीएम मॉडल में क्या बोलता, सब लोग पैसा किसमें लगाएगा? मार्केट पोर्टफोलियो में लगाएगा। ठीक है, अभी कॉपी में एक छोटा सा एक्सरसाइज करना, और मेरे को ये बताना कि अगर 4 स्टॉक रहेगा, ठीक है, तो कितना आइटम हम लोग को निकालना पड़ेगा एमवीपीटी में? 4 स्टॉक है तो एमवीपीटी मतलब मीन वेरिएंस पोर्टफोलियो थ्योरी में कितना आइटम हम लोग को निकालना पड़ेगा? कितना आइटम हम लोग को निकालना पड़ेगा? मैंने क्या बोला, एनवीपीटी में क्या क्या चाहिए हम लोग को? तो 4 मीन निकालना पड़ेगा, 4 हम लोग को वेरिएंस निकालना पड़ेगा, और हम लोग को कितना निकालना पड़ेगा? देखो, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू कोवेरिएंसेस, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू कोवेरिएंसेस। बाई टू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 2 एंड 2 1 इज सेम, तो क्या हो जाएगा? 4 मीन, 4 वेरिएंस और 4 into 3 by 2, which is 6 covariances। क्या कोई बता सकता है 6 covariances में क्या क्या आएगा? बोलो तो, 1 2 1 3 1 4, 2 3 2 4, 3 4। एक्सीलेंट, क्लियर है? अच्छा, एक चीज मेरे को समझ लेती, तुम लोगों को समझ में आएगा नहीं यार। ठीक है, अब जैसे ये चीज जो है, ये तुम्हारा हो गया एमवीपीटी, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, या फिर मीन वेरियंस पोर्टफोलियो थ्योरी। मीन वेरियंस पोर्टफोलियो थ्योरी क्या बोलता है? हम बाकी सब चीज को छोड़ो, हमको सिर्फ क्या चाहिए? हमको सिर्फ अपना टोटल डिसीजन को बेस करना है मीन और वेरियंस, तो आपस का कोवेरियंस तो देखना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग, मेन क्या है पोर्टफोलियो का, मेन क्या है, थीम क्या है पोर्टफोलियो का? थीम है कि हम लोग को डाइवर्सिफिकेशन अचीव करना है, रिस्क को काटना है। ठीक है ना? अब एक एग्जांपल मैं तुम लोग के सामने लेता हूँ, ठीक है? तुम लोग बताना कि कौन सा पोर्टफोलियो एफिशिएंट है और कौन सा पोर्टफोलियो एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। तुम लोग सब रेस देखा है? रेस, रेस में जब सैफ अली खान और जॉन अब्राहम का बात हो, रेस 2 में तो क्या बोलता है? बोलता है ये घोड़ा जीतने वाली नस्ल का है ही नहीं। जो घोड़ा जीतने वाली नस्ल का नहीं है, मतलब क्या है? वो इनएफिशिएंट पोर्टफोलियो, रेस में दौड़ेगा ही नहीं। ठीक है ना? अभी 6 घोड़ा है, तुम लोग बताएगा कि रेस में कौन कौन सा घोड़ा दौड़ेगा। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर मैंने दे दिया म्यू और यहाँ पर मैं दे दिया सिग्मा। ठीक है, सब परसेंटेज में। अब बोलो कौन कौन सा एफिशिएंट पोर्टफोलियो है और कौन कौन सा नहीं है, ये बताओ। बताओ कौन कौन सा एफिशिएंट पोर्टफोलियो है और कौन कौन सा नहीं है। सी देखो, नहीं है। एफ नहीं है, सी भी नहीं है, और बोलो। सर डी एफिशिएंट है। ए क्यों नहीं है? क्यों
के अंदर डिविडेंड्स कम है और रिटर्न आ रही है। और नहीं बोलो, नहीं सॉरी, कंपनी के कंपैरिजन में डी फिर से क्यों? जैसे डी के कंपैरिजन में डी कम है, जैसे उसमें भी वेरिएंस ज्यादा है, 3/5 अगर देखेंगे मतलब रिस्क से वो देखेंगे। नहीं, वो क्यों देखें? प्रिलिमिनरी एनालिसिस में देख के बताओ, दैट इज समथिंग डिफरेंट जो तुम करने का ट्राई कर रहे हो। यस पूजा पटेल, बताओ कौन कौन सा एफिशिएंट है, कौन कौन सा एफिशिएंट नहीं है। एक बताएंगे डी डी एफिशिएंट है सर, एफिशिएंट है, ई नहीं है सो ई क्यों नहीं है? वेरिएंस ज्यादा है। नहीं वैसे नहीं होता है। बोलो और कौन सा नहीं है? एक चीज समझ लेना, तुम जब पहला पेपर दिया था, ठीक है, और जब तुम CM2 दिया, तो पहला पेपर में अगर तेरे को पढ़ने में 6 महीना लगा, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सारा पेपर में तेरे को पढ़ने में 6 महीना लगेगा। और एक तरीके से तेरे को समझाता हूं, जैसे मान ले मैं जब पढ़ाना चालू किया तो एक बच्चा था, तो एक का 100 होने में 2 साल लगा, ठीक है, 100 का माने 100x हो गया ना, 100 का 500 होने में 2 साल और लग गया, ये कितना x हुआ, 5x हुआ। फिर 500 का 1000 होने में 4 साल लग गया, तो 2x हुआ। अभी 1000 से हम लोग 1500 के तरफ में आए हैं, इसमें 4 साल करीब करीब और लग गया, ये तो 1.5x हुआ। नहीं समझा तुम अभी तक समझ कि जब तुम एक चीज समझना कि इट्स नॉट अ लीनियर रिलेशनशिप, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, तुम माप सकते हो उसको, बट ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है। इसका जो बनेगा अपॉर्चुनिटी सेट जो बनता है, ये कैसा कर्व बनता है, ठीक है। तो देखो एफ क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों का रिटर्न सेम है बट रिस्क ज्यादा है, तो ऑब्वियस सा बात है लोग इसको चूज करेंगे। फिर अगेन ए क्यों नहीं है, क्योंकि रिटर्न कम है और रिस्क ज्यादा है, तो ए भी नहीं है। अगेन अगर हम लोग देखेंगे सी और डी में, तो रिटर्न सेम है बट रिस्क ज्यादा है, तो सी भी नहीं। बचा कौन, बी बचा, ई बचा और डी बचा। अब ये तीनों में रेस होगा, अब ये तीनों में रेस होगा। अब जो तुम लोग जो कर रहे हो वो भी हम लोग करते हैं, उसको बोलते हैं शार्प रेशियो। शार्प रेशियो क्या है पता है, एक्सेस रिटर्न बाय सिग्मा, एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क। एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क निकालने के लिए, ये तो रिटर्न ऑन इक्विटी है ना सारा, सबसे पहले मेरे को RF निकालना पड़ेगा, RF निकालना पड़ेगा, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। अब इसी क्वेश्चन में मान लो अगर मेरा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है 4%, ठीक है, तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा रिस्क फ्री, एक चीज समझ लेना, जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होता है उसका रिटर्न है 4%, माने गवर्नमेंट बॉन्ड में तुम पैसा लगाया, तुम यूएस ट्रेजरी में पैसा लगाया, ठीक है, तुम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाया, और इसका रिस्क है 0%, ठीक है। अब एकदम सिंपल सा है, तो सबसे पहले हम लोग एक्सेस 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 रिटर्न निकाल रहे हैं, तो 4 और 12, तो यहां पर 8 आ गया एक्सेस एक्सेस रिटर्न, यहां पर 4% आ गया और यहां पर 11% आ गया, राइट। एक्सेस रिटर्न, एक्सेस रिटर्न मतलब क्या, मैं 4 यूनिट्स एक्स्ट्रा, बोलो 4 यूनिट्स एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए आई हैव टेकन 5 यूनिट्स ऑफ रिस्क,
सॉरी, इसके लिए मैं बोला था, मैं यहां स्टार्ट करता हूं, चार यूनिट्स एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए आई हैव टेकन 3 यूनिट्स ऑफ रिस्क, सो मेरा शार्प रेशियो क्या बन जाता है 4/3, इसके लिए क्या बनेगा 8/5, और इसके लिए क्या बनेगा 11/9। अब अगर शार्प, ये समझो मैंने बोला क्या कि शार्प रेशियो का यूज करते नहीं, ये एक टाइप का मेजर है जिससे हम लोग एफिशिएंट पोर्टफोलियो सेलेक्ट कर सकते कि भाई इन तीनों में बेस्ट कौन है बताइए, तो उसका एक मेजर हो गया शार्प रेशियो। ऐसे करके बहुत सारा मेजर है, वन ऑफ द मेजर कॉमन मेजर इज शार्प रेशियो, कि तुम शार्प रेशियो निकाल के देखा, तो शार्प रेशियो इन तीनों में जिसका ज्यादा आएगा, एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क जिसका ज्यादा आएगा वो जीतेगा ना, कि हर एक सिग्मा के लिए तुमने कितना यूनिट्स ऑफ रिटर्न ऐड किया, हर एक सिग्मा के लिए तुमने कितना, बोलो ना, हर एक सिग्मा के लिए तुमने कितना यूनिट्स ऑफ रिटर्न ऐड किया, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा शार्प रेशियो। शार्प रेशियो एकदम क्लियर फॉर्मूला है, शार्प रेशियो का फॉर्मूला एकदम क्लियर है। शार्प रेशियो क्या बोलते हैं, ER माइनस RF बाय सिग्मा। तो ऊपर वाला हो गया तुम्हारा एक्सेस रिटर्न और ये हो गया तुम्हारा रिस्क, ठीक है ना। एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क इज व्हाट, शार्प रेशियो। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, ये ना सबको क्लियर है एकदम, ठीक है। अब एक चीज समझना, जो मैं कर्व का बात कर रहा था, ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया, ये वाला ग्राफ, ये ना सबको क्लियर है एग्जांपल, यस और नो सब लोग चैट बॉक्स में लिखिए, यस और नो सब लोग चैट बॉक्स में लिखिए, यस और नो। सर कैन यू एक्सप्लेन व्हाई ई इज एफिशिएंट लाइक 9% के बाद, तो ई एफिशिएंट क्यों नहीं है पहले तुम ये बताओ। ई तो एफिशिएंट है ना, क्योंकि माने इससे ज्यादा रिटर्न, माने हम लोग को एफिशिएंसी चेक करने के लिए क्या चेक करना पड़ता है मैं बताता हूं, ठीक है। इस रिस्क पे एकदम ध्यान सुनना, ठीक है, एफिशिएंसी कैसे चेक होता है, इस रिस्क पे इससे ज्यादा रिटर्न पॉसिबल है क्या, पहले ये बताओ, इस रिस्क पे इससे ज्यादा रिटर्न पॉसिबल है, देख के बताओ। 9 यूनिट्स ऑफ रिस्क के लिए क्या 15% से ज्यादा का रिटर्न पॉसिबल है फ्रॉम द गिवन सिनेरियोस? नो। और एक चीज क्या है, इतना रिटर्न पे क्या इससे कम रिस्क पॉसिबल है? 15% रिटर्न दिख रहा है, 9% से कम क्या पॉसिबल है? तो दिस इज एफिशिएंट। दोबारा से, इस रिस्क पे क्या इससे ज्यादा रिटर्न पॉसिबल है, देख के बताओ। नहीं, क्योंकि अगर तुम 5 से 8 पे जाता है, ये फिर मतलब 5 से 9 पे, मैं बोला इतना रिस्क, मतलब यही रिस्क, यही रिस्क। एक चीज समझना, तुमको चाहिए कि भाई मेरा रिस्क हो इतना और मेरा रिटर्न हो इतना, तो वैसा नहीं होता है। अवेलेबल सेट्स ऑफ कॉम्बिनेशन भी देखना पड़ेगा कि क्या वो चीज मार्केट में अवेलेबल है। तुम लोग क्या बोला कि भैया देखिए यहाँ पर 3 से 3 गुना हो गया बट रिटर्न तो 3 गुना, मैं बोला ना लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है ना। जो अवेलेबल सेट्स है उसी में से तुमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब दोबारा से एक बार देखना, एफिशिएंट पोर्टफोलियो क्या होता है, दी था ना, क्या इतना रिस्क पे, क्या इतना रिस्क पे इससे ज्यादा रिटर्न पॉसिबल है? 3 यूनिट्स ऑफ रिस्क के लिए क्या 8% से ज्यादा पॉसिबल है? देखो नहीं। या फिर क्या इतना रिटर्न पे इससे कम रिस्क पॉसिबल है? तो ये भी एफिशिएंट। अब हम लोग इसको क्यों हटाए, एक क्यों, देखो क्या इतना रिटर्न पे इससे कम रिस्क पॉसिबल है? हाँ है, 5, क्योंकि 10 में 6 था और ये तो 10 से ज्यादा पे 5 है ना, तो ये इनएफिशिएंट हो गया। ऐसे टाइप और कहीं पर भी है तो बताओ कि रिटर्न ज्यादा रिस्क कम है, ऐसा है? और अगर तुम होते हो तो एम में फंसा तो बेवकूफ है ना, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे, एफिशिएंट ये हो गया, तो इनएफिशिएंट क्या हो गया, जो एफिशिएंट नहीं है। अब समझना ग्राफ, ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक है, फिर ग्राफ समझाएंगे, ठीक है, 2 मिनट्स ब्रेक।
अब जैसे ग्राफ पहले समझना है,
तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है इसका, ठीक है। अब जैसे यहां पर हम लोग जो प्लॉट करेंगे ना सिग्मा, और यहां पर हम लोग प्लॉट करेंगे ईआर। देखो सबसे कम वेरिएंस वाला पॉइंट है ये, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमम, माने इससे कम वेरिएंस पॉसिबल नहीं है। इस पॉइंट के ऊपर जो भी है ना, ये है हम लोग का एफिशिएंट फ्रंटियर। व्हाट इज एफिशिएंट फ्रंटियर? एफिशिएंट फ्रंटियर इज अ कलेक्शन ऑफ एफिशिएंट पोर्टफोलियोज। अगर मान लो कोई पॉइंट इस पे है तो ही वो एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि इतना इतना सिग्मा पे इससे ज्यादा रिटर्न पॉसिबल नहीं है, और इतना रिटर्न पे इससे कम सिग्मा पॉसिबल नहीं। अगर कोई पॉइंट यहां पर है मतलब वो इनएफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि सेम सिग्मा पे इससे ज्यादा रिटर्न पॉसिबल है। और अगर कोई पॉइंट यहां पर है तो इसका मतलब क्या है, ये करंट रिसोर्सेस से अचीवेबल नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि 8 घंटा पढ़ना चाहिए, अच्छा 8 घंटा कोई पढ़ता थोड़ी है, तो करंट रिसोर्सेस से ये अचीवेबल नहीं। ये जो ग्लोबल मिनिमम वेरियंस पॉइंट है इसके ऊपर पूरा है एफिशिएंट फ्रंटियर, ठीक है। ये समझ आ गया? इसके अंदर में क्या है, सारा रिस्की एसेट्स है। इसके अंदर में क्या है, सारा रिस्की एसेट्स है। अब एक और चीज, यहां सबको क्लियर है ये वाला? यस और नो? ये वाला सबको क्लियर है, ठीक है। अब देखो एफिशिएंट फ्रंटियर कैसे चेंज हो जाता है। अगर हम लोग आरएफ भी ऐड करेंगे रिस्की पोर्टफोलियो में, ठीक है ना, तो क्या होगा, ग्राफ देखो वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। क्यों वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, हम समझाते हैं। सर तो पहले कुछ किए नहीं है, पहले कुछ करने का दरकार भी नहीं है। हम लोग को क्या चाहिए, रिस्की पोर्टफोलियो का क्या होगा, सिग्मा होगा और ई होगा, नहीं समझा? मान लो रिस्की पोर्टफोलियो में है 8% कॉमा 15%, तो 8% रिस्की पोर्टफोलियो के अंदर में 4 रिस्की स्टॉक है, तो 4 रिस्की स्टॉक का जो पोर्टफोलियो मीन और पोर्टफोलियो वेरिएंस है वो ये है। माने इसको हम लोग बोल सकते हैं ईपी, सॉरी 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 सॉरी, इसको हम लोग बोल सकते हैं सिग्मा पी, विच इज पोर्टफोलियो वोलेटिलिटी, पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डिविएशन, ईपी पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न। और एक है हम लोग का रिस्क फ्री एसेट, जिसका 0 कॉमा रिटर्न मान लो 4%, तो 2.4 है। हाँ, ये वाला जो पॉइंट होगा, यहां पर हम लोग सिग्मा है और यहां पर अगर ई है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ये होगा। कौन सा वाला पॉइंट बताओ? 0.4 और 8, 15, ये वाला पॉइंट होगा। तो 2.4 से स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, दो पॉइंट मिल गया ना। 2.4 से स्ट्रेट लाइन कैसे बनता है बताओ? इक्वेशन y-y1 / x-x1 इज इक्वल टू y2 - y1 / yes और नो? बोलो यस और नो, खाली यस नो में जवाब देंगे। ऑनलाइन में, ऑनलाइन में खाली यस नो में जवाब देंगे फटाफट से। तो जैसे ही मैं रिस्क फ्री एसेट ऐड करता हूं रिस्की पोर्टफोलियो में, वो क्या बन जाएगा, मेरा जो एफिशिएंट फ्रंटियर है वो क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। मेरा जो एफिशिएंट फ्रंटियर है वो क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। मेरा जो एफिशिएंट फ्रंटियर है वो क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बन गया, ये है कि ग्राफ टू। हंसो थोड़ा, ठीक है। अब और एक ग्राफ समझ लेना, यहां तक समझा दिए। ये है मेरा मार्केट पोर्टफोलियो। अभी हम लोग को तुमको 3 पॉइंट समझाना है। ये मेरा क्या है, मार्केट पोर्टफोलियो है, तो आपको समझाना है ये पॉइंट क्या है और ये पॉइंट क्या है। जी समझो, एक होता है जो एकदम हर चीज देख के करता है, देख के करने वाला आदमी, जैसे हम। अगर मान लो स्टॉक मार्केट में कहावत है
कि खाने का पैसा कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना चाहिए। तुम्हारा जो खर्चा का पैसा है और तुम्हारा जो खाने का मतलब जो मंथली एक्सपेंसेस, माने जो तुमको आने वाला टाइम में निकाल के देना है, वो पैसा वो कभी भी स्टॉक मार्केट में लगाएगा तो बहुत दुख पाएगा। तुम क्या सोचा कि मेरे को देना है किसी को 15 दिन बाद, अभी ITC में लगा देते। 15 दिन बाद वो आदमी तुम्हारे सामने मांगने खड़ा हो गया, तू कहां से पैसा चुकाएगा? अगर उसमें ITC 5% डाउन होगा तो 15 दिन में तुमको 5% का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि तुमको वो पैसा उसको निकाल के देना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में कौन सा पैसा डाल सकते हैं जो एकदम फ्री पैसा है, जो अगर 0 हो जाए ना तो भी तुमको फर्क नहीं पड़े, ऐसा पैसा को स्टॉक मार्केट में डालना। ठीक है, डे टू डे एक्सपेंसेस का पैसा को कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं डालना। ठीक है, मेरे पास महीना में 50,000 बचता है, हम 50,000 रुपये डालते हैं, साफ बात। ठीक है, मेरे पास महीना में 50,000 बचता है, हम 50,000 पूरा का पूरा मार्केट पोर्टफोलियो में डाल देते हैं। ठीक है ना, पूरा का पूरा मार्केट। अब हम लोग आ गए एक बार सीएपीए मॉडल चल रहा है, सीएपीए मॉडल चल रहा है। ठीक है, तो सीएपीए मॉडल में क्या बोलते हैं, अगर पैसा लगेगा तो किसमें लगेगा? मार्केट पोर्टफोलियो में लगेगा, वरना नहीं लगेगा। ऑप्टिमल एलोकेशन क्या बोलता है? बोलता है अगर मार्केट पोर्टफोलियो में वोडाफोन 5% का है तो तुम्हारा भी पोर्टफोलियो में वोडाफोन क्या रहेगा? 5%। एचडीएफसी अगर मार्केट पोर्टफोलियो में 10%, तुम्हारे पोर्टफोलियो में क्या रहेगा? 10%। तुम पूरा मार्केट पोर्टफोलियो को रेप्लीकेट करेगा। ऑब्वियस बात है, तुम 1 लाख करोड़ का तो कैपिटल लाख, तुम्हारा जितना कैपिटल, लेकिन परसेंटेज तुम सारा फॉलो करेगा, सारा परसेंटेज फॉलो करेगा। 50,000 रुपया पूरा का पूरा पैसा अगर मार्केट पोर्टफोलियो में लगाया तो तुम यहां खड़ा है। ठीक है, अगर तुम बोलते नहीं यार, मैं फट्टू, मतलब मैं बोला मैं इसका 40% लगाऊंगा रिस्क फ्री एसेट में और 60% को मैं लगाऊंगा मार्केट पोर्टफोलियो में, तो तुम यहां होगा। क्यों तुम यहां होगा? क्योंकि तुम्हारा रिस्क फ्री एसेट में लगाने से क्या हो गया? सिग्मा कम हो गया। हाँ, और रिस्क फ्री एसेट में लगाने से तुम्हारा ईआर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तुम यहां है, इसका मतलब क्या है? बहुत जोर का फट्टू है, तू पैसा लगाया है नहीं स्टॉक मार्केट में, तू पूरा का पूरा पैसा किसमें लगा दिया? गवर्नमेंट बॉन्ड में। और अगर तुम यहां है मतलब तुम्हारा बहुत बड़ा चिगरा है। क्यों चिगरा तुम्हारा बहुत बड़ा? तुम क्या किया सुनो, 50,000 तुम्हारा, ठीक है, और 50,000 तुम्हारा मामा था, क्योंकि मामा ऐसा है जो भांजा का बात तो माने गए। तुम मामा के घर में गए, तुम मामा को बोला मामा देखिए ऐसा ऐसा है, इसमें लगा दीजिए बस, और घर के नीचे ऑडी पक्का। ठीक है, 50,000 खुद का, और मामा को क्या बोल क्या है? बोला मामा अगर नुकसान होगा ना तो हम देंगे। ठीक है, नुकसान होगा तो मेरा, फायदा होगा तो आपका। तुम 50,000 खुद का, और बेसिकली बोला जाता तुम लोन ले लिए। और हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फ्लोट ऑफ मनी है आरएफ में, आरएफ में फ्री फ्लोट ऑफ मनी। ठीक है, तो अगर आरएफ में फ्री फ्लोट ऑफ मनी है, तुम रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट में तुम पैसा बोरो करेंगे। ठीक है, तुम क्या किया, 50,000 बोरो कर लिया, तो टोटल तो कितना रुपया लगा दिया? 1 लाख रुपए तुम स्टॉक मार्केट में लगा दिया। तुम क्या किया, एक तरीके से तुम्हारा खुद का कैपिटल कितना, 50, तुम 50 और बोरो कर लिया और तुम 1 लाख रुपए मार्केट में लगा दिया। ठीक है, अब इसका हिसाब समझना। अगर हम यहाँ पर बोलते हैं मार्केट का रिटर्न है 10% का, तो तुम्हारा 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000 तुमको रिटर्न आएगा। हाँ, और तुमको ब्याज देना था 4%, कितना में देना था? 50,000 में। तो 50,000 का 4% कितना होता है? 2,000। तुमको तुम्हारा नेट नेट कितना आ गया? 8,000। लेकिन यही अगर तुम पूरा अपना खुद का पैसा खाली लगाता तो तुमको उसका 10% मतलब 5,000 रुपया था, जबकि तुमको 8,000 तुम लेवरेज लेते। तुम्हें बहुत बड़ा चक्कर तुम यहां पर लाइक करेगा इस पॉइंट। तो ये पॉइंट्स हम लोग को समझना जरूरी है। ठीक है, ये पॉइंट्स हम लोग को समझना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? एक और ग्राफ हम लोग समझते हैं। ये हो गया। अगर पहले तुम्हारा कर्व कैसा था? पहले तुम्हारा कर्व ऐसा था। ठीक है, पहले तुम्हारा कर्व, पहले तुम्हारा कर्व कैसा था? ये है तुम्हारा प्रीवियस कर्व और ये है तुम्हारा करंट कर्व। तो प्रीवियस कर्व और करंट कर्व में कहां क्या फर्क है कि प्रीवियस कर्व में खाली क्या था? रिस्की पोर्टफोलियो था, है ना, और यहां पर तुम्हारा क्या है? रिस्क फ्री भी है और रिस्की भी है। तो
ये जो दोनों पॉइंट मीट करेगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमल पोर्टफोलियो या फिर मार्केट पोर्टफोलियो। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो पॉइंट पे मीट करता है इसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिमल पोर्टफोलियो या फिर मार्केट पोर्टफोलियो। मीट ही ऐसा पॉइंट पे करेगा मार्केट पोर्टफोलियो पे मीट करेगा। मार्केट पोर्टफोलियो पे क्यों मीट करेगा? बिकॉज उससे अच्छा पोर्टफोलियो तो हो ही नहीं सकता ना। सबसे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या? बीटा इज इक्वल टू वन। अगर तुम मार्केट पोर्टफोलियो में पैसा लगाता है तो तुम्हारा स्पेसिफिक रिस्क क्या हो गया? जीरो। तुम्हारा स्पेसिफिक रिस्क क्या हो गया? जीरो। समझ गया? हाँ ठीक है। एक इक्वेशन समझना, ये सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर है? एक इक्वेशन समझना, सीएपीए मॉडल क्या बोलता है? आरएम तुम्हारा हो गया मार्केट का रिटर्न, ठीक है? आरएफ तुम्हारा हो गया रिस्क फ्री रिटर्न, ठीक है? आरएम माइनस आरएफ क्या हो जाएगा? हाँ, एक्सेस रिटर्न फ्रॉम मार्केट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमआरपी। इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम, क्योंकि मार्केट में रिस्क है, मार्केट में रिस्क है ना, तो बीटा जीरो से बीटा वन में गया तो मार्केट में रिस्क है, तो एमआरपी क्या हो जाएगा? आरएम माइनस आर। समझ गया? हाँ, आरएम माइनस आर। बीटा क्या है? सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक टू मार्केट। तुम कभी नोटिस करना, जो टॉप कंपनीज है, ठीक है, अगर कोई भी न्यूज आता है ना तो सारा का सारा टॉप कंपनीज हिल जाता है। मैंने अगर मार्केट वाइड कोई भी न्यूज आता है तो सारा का सारा टॉप कंपनीज, तीन टाइप का, दो टाइप का होता है। एक होता है कि तुम मार्केट पोर्टफोलियो में लगा दिया, और एक होता है डिफेंसिव, एक होता है एग्रेसिव। आईटीसी इज अ डिफेंसिव स्टॉक। डिफेंसिव स्टॉक मतलब आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है, देखना जब मार्केट ऊपर जाता है ना तो आईटीसी नीचे जाता है, और ऐसा स्टॉक को ढूंढना ही सबसे बड़ा सोना है। क्यों बोलो तो? सर आप कैसा बात कर रहे हैं? अगर मान लीजिए मेरा सारा पोर्टफोलियो ग्रीन में है और ये स्टॉक मेरा रेड में है, तो ऐसा स्टॉक कोई अपना पोर्टफोलियो में क्यों रखेगा? भाई पोर्टफोलियो ग्रीन से तो किसी को डर ही नहीं है ना। डर कब है? जब पूरा पोर्टफोलियो रेड रहेगा और ये स्टॉक ग्रीन रहेगा। कोविडशील्ड स्टॉक्स, आईटीसी, ब्रिटानिया, आईटी कंपनीज, राइट, इंश्योरेंस कंपनीज, टेक कंपनीज, बेसिक नेसेसिटीज, बाकी सब। एयरलाइन का देखो हालत खराब हो गया था, ठीक है, फिर जो का एकदम पूरा काम पूरा बंद हो गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर का देखना पूरा हालत खराब हो गया था। ट्रैवल बेस्ड कंपनीज हो गया, जो फिजिकल स्टोर्स वगैरह थे, लग्जरी गुड्स हो गए, ठीक है ना, सब खराब। क्या चला? घर में लोग बैठ के खाया है ब्रिटानिया। समझ रहे हैं? तो तुम लोग ये चीज समझ लेना, तुम लोग लाल से डरो मत। हम लोग को वो स्टॉक चाहिए। कोई बोलेगा पोर्टफोलियो थ्योरी को एक वर्ड में, एक सेंटेंस में अगर समराइज करें तो क्या है? बोला हम लोग को हरा से मतलब नहीं है, हम लोग को वो स्टॉक चाहिए जब पूरा पोर्टफोलियो लाल हो बट फिर भी वो स्टॉक जो अकेला ग्रीन में खड़ा रहे, वो तो वो क्या हुआ? नेगेटिवली कोरिलेटेड हुआ ना। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है, समझा? एक रिलेशन बता रहे हैं, जब पैनिक मोड आएगा तो लोगों को स्ट्रेस ज्यादा होगा, सिगरेट दारू ज्यादा पिएगा। गवर्नमेंट खोला तो क्या खोला? सबसे दारू का दुकान खोला सबसे पहले। समझ रहे हैं? तो बेसिकली हम लोग को नेगेटिवली कोरिलेटेड स्टॉक्स ढूंढने हैं और उसको अपने पोर्टफोलियो में डालने हैं, ताकि जब पूरा पोर्टफोलियो नीचे रहे वो ऊपर रहेगा, ठीक है ना? एक चीज समझना, और एक चीज बताते हैं। जब पूरा पोर्टफोलियो ग्रीन रहता है ना, तो ऐसा नहीं होता है कि वो नीचे लाल हो जाता है। ये बुक्स में है, वो भी मोटा मोटे ग्रीन में रहता है बट कम, बट पैनिक मोड में वो ऊपर चला जाता है, ठीक है ना? तो आज जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं,
गोल्ड को हम लोग बोलते हैं सेफ हैवन, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट में और गोल्ड में नेगेटिव कोरिलेशन, एक तरीके से बोल सकते हैं। क्यों बोलो तो? सोचो एक चीज, आज लोग बॉन्ड में पैसा लगाता है बेवकूफ नहीं है, गोल्ड में पैसा लगाता है बेवकूफ नहीं है, क्यों हम तुमको बताते हैं। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जैसे ही मान लो तुमको लगता है कि कोई बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, तो लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के गोल्ड में लगा देते हैं, सिल्वर में लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड सिल्वर का दाम बढ़ेगा। कोविड के टाइम पे क्या हुआ, सब लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकाला, किसमें लगा दिया, गोल्ड सिल्वर में, दाम पूरा डबल हो गया। कम हुआ? नहीं हुआ। कम कहाँ हुआ बताओ, कहाँ कम हुआ, अभी तो और बढ़े ही जा रहा है। और एक चीज बताते, अभी बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो लोग क्या किए, लोग बोले भाई हम क्यों झमेला में जाएंगे रिस्क वाला, जब बॉन्ड में मेरे को अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। लोग क्या कर रहा है, स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के बॉन्ड में लगा दे रहा, फिक्स कर ले रहा है, फिक्स कर ले रहा है अपना पैसा, 25 साल का टर्म में पैसा लगा दे रहा आज का रेट में। भाई 8% एनबीएफसी उससे भी थोड़ा बहुत ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है ना, कम नहीं होता। तो लोग क्या कर रहे हैं, फिक्स कर ले रहे हैं उस पैसा को। लोग क्या चाहिए, फिक्स स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो चाहिए। पैसा तो लिमिटेड है ना, 100 रुपए ही है, ठीक है, दोबारा देखेगा जब अपॉर्चुनिटी आएगा, दोबारा स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देगा, ठीक है। तो गोल्ड में ये चीज समझ लेना, लोग इसलिए अक्रॉस एसेट्स भी डाइवर्सिफाई करते हैं, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, बॉन्ड्स, ओके, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ऐसे मिक्सचर रखते हैं। क्यों रखते हैं, ताकि अगर एक नीचे गया तो दूसरा अच्छा देगा रिटर्न। अब जैसे सोचो ना, जो लोग 50-50 करके रखा होगा कोविड के टाइम पे, तो अगर स्टॉक मार्केट एकदम नीचे लगे तो गोल्ड तो ऊपर चला गया ना, ठीक है, ऐसे भी होता है, ठीक है। अब समझना, ये हो गया बीटा इज द सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक टू द मार्केट। तो अगर हम लोग मार्केट का रिटर्न निकालेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लिख रहा हूं देखो, आर एफ प्लस मार्केट का बीटा क्या है, 1 × आर एम माइनस आर एफ, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, आर एम आ जाएगा। अब इसी से हम लोग निकाल सकते हैं आर ई, क्या देखो, आर एफ प्लस बीटा ई इंटू आर एम माइनस आर एफ। इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, आर एम माइनस आर एफ मेरा है एम आर पी, बीटा जब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मेरा हो जाता है ई आर पी, इक्विटी रिस्क प्रीमियम। बीटा जब मल्टीप्लाई कर देंगे स्टॉक का तो वो मेरा क्या हो गया, इक्विटी रिस्क प्रीमियम। जी समझना, अगर हम लोग देखेंगे मार्केट का एक्सेस रिटर्न, मार्केट का ऐसे मान लो मार्केट आर एम मेरा है 10%, आर एफ मेरा है 4%, तो मेरा एम आर पी क्या हो जाएगा, एम आर पी क्या हो जाएगा मेरा 6%, मार्केट रिस्क प्रीमियम मेरा क्या हो गया 6%, और स्टॉक का जो बीटा है वो है 2, स्टॉक का जो बीटा है वो क्या है 2, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टॉक का बीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्टॉक का बीटा से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाए, क्योंकि अगर मार्केट रिस्क प्रीमियम 6% है, ठीक है ना, तो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो एग्जाम्पल लिया कि भाई अगर मान लो मार्केट 5% नीचे, तो तुम्हारा स्टॉक कितना परसेंट नीचे होगा, 10% नीचे होगा। तो एमआरपी को मैं बीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि मेरा क्या आ जाए, इक्विटी रिस्क प्रीमियम आ जाए। इक्विटी रिस्क प्रीमियम को मैं क्या करूंगा, आरएफ में ऐड करूंगा, तो मेरा आरई आ जाएगा। ये है सीएपीएम का फॉर्मूला, यही है सीएपीएम का फॉर्मूला, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बीटा क्या है, बीटा क्या है, सिस्टमैटिक रिस्क या फिर अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क या फिर अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क। और ये खाली सीएपीएम में ही है, क्योंकि ये क्या बोलता है, लोग अगर पैसा लगाएंगे तो किसमें लगाएंगे, मार्केट पोर्टफोलियो में। एक्सीलेंट, लोग अगर पैसा लगाएंगे तो किसमें लगाएंगे, मार्केट पोर्टफोलियो में ही पैसा लगाएंगे, वरना पैसा नहीं लगाएंगे। और ये पता है सीएपीएम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, इससे पता हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे हम लोग रेट ऑफ रिटर्न निकाल रहे हैं। फिर क्या होगा, जो एसेट का जो कैश फ्लोज होगा ना, उसको हम लोग उसी रेट से पुल बैक करके एसेट का प्राइस निकालेंगे। ये पूरा मेथड है, हम लोग के सिलेबस में तो है नहीं, बट लोग पढ़ते नहीं, बट मैंने सी फाइनल में पूरा पढ़ा है। क्या होता है उसमें, अभी यहाँ पर खत्म नहीं होता है ये, तो हम लोग रेट ऑफ इक्विटी निकाला, रिटर्न ऑन इक्विटी निकाला, आरई निकाला, आरई निकाल के क्या चार छोड़ देंगे, नहीं, फिर हम लोग एसेट का कैश फ्लोस को प्रेडिक्ट करेंगे कि ये एसेट मेरे को फ्यूचर में कितना कितना कैश फ्लोस देगा। वो सारा कैश फ्लोस को पुल बैक करने के लिए जो रेट है वो है ये आरई, और ये निकला कैसे, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला से, आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएम इनटू बीटा। तो पहले क्या किए, एमआरपी निकाले, एमआरपी निकालने के बाद बीटा से मल्टीप्लाई किए। क्यों बीटा से मल्टीप्लाई किए, अगर मान लो स्टॉक डिफेंसिव है,
अगर मान लो स्टॉक डिफेंसिव है तो क्या होगा, मार्केट अगर 5% से नीचे तो मेरा स्टॉक हो सकता है 2.5-3.5% नीचे, स्टॉक डिफेंसिव है ना, तो बीटा क्या है, बीटा इज अ सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक टू द मार्केट, माने मार्केट अगर 1% मूव कर रहा है तो मेरा स्टॉक में कितना परसेंट का मूवमेंट आएगा, दैट इज बीटा, रफली बोलते हैं ऐसा। बट अगर तुम इक्वेशन वाइज देखेंगे तो वैसा नहीं है, नहीं सर मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया आप जो बोल रहे हैं कि अगर मार्केट 5% से नीचे है, मार्केट अगर 5% से नीचे है तो मेरा स्टॉक 10% से नीचे होगा, ये बीटा है, ये बीटा है, मार्केट पोर्टफोलियो बीटा वन होता है। हाँ बट यहाँ पर मैं इक्विटी का निकाल रहा हूँ, यहाँ पर मैं इक्विटी का निकाल रहा हूँ, अब इक्विटी के जगह मैं पोर्टफोलियो का कर सकता हूँ, तो वहां पर क्या आ जाएगा, बीटा ऑफ दी पोर्टफोलियो, अगर मार्केट का करूंगा तो बीटा ऑफ दी मार्केट, ठीक है ना। तो पहले मैंने क्या किया, एमआरपी निकाला, मार्केट से कितना रिस्क प्रीमियम है, मार्केट रिस्क प्रीमियम में बीटा क्या है, वन। मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि अगर मेरा मार्केट से रिस्क प्रीमियम है फॉर एग्जाम्पल 6%, जब बीटा वन, ऐसे समझो तुम लोग, मैं बोलता हूं जब कोई चीज वन है, कोई चीज अगर वन है तो यहां पर 6 है, जब कोई चीज 1.5 होगा तो यहां पर कितना होना चाहिए, 9, यूनिटी मेथड है ना, तो वही तो कर रहे हैं यहां पर, वही तो कर रहे हैं। पहले एमआरपी निकाले, एमआरपी के टाइम पे बीटा कितना है, 1, अगर बीटा 2 होगा तो एमआरपी कितना होगा, बेसिकली एम वर्ड कॉटा, तो रिस्क प्रीमियम की बात करो, तो अगर बीटा 1 है तो मेरा रिस्क प्रीमियम 6 है, अगर बीटा 2 है तो मेरा रिस्क प्रीमियम 12 है, 3 है तो 18 है, उसमें फिर क्या है, ये तो रिस्क प्रीमियम हो गया ना, कि मैं इक्विटी का जो रिस्क ले रहा हूं, मैं जो बीटा ले रहा हूं, मैं जो बीटा खा रहा हूं, उसके लिए इतना रिटर्न एक्सेस, उसमें आरएफ भी तो ऐड करेंगे, क्योंकि अगर मैं रिस्क नहीं लेता, अगर मैं रिस्क नहीं लेता तो मेरा रिटर्न कितना होता, समझा। अगर बीटा 0 है मतलब क्या आरएफ, बीटा 0 है तो क्या आरएफ, तो बीटा 2 है तो क्या, इक्वेशन दोबारा से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, मैं बोलता हूं बीटा जब 0 है तो आरएफ, ठीक है, बीटा जब 1 है तो क्या है, आरएफ प्लस 1 इंटू आरएफ माइनस आरएफ, बीटा जब 2 है तो क्या हो जाएगा, आरएफ प्लस 2 आरएफ माइनस आरएफ, क्यों आरएफ माइनस आरएफ, क्योंकि आरएफ माइनस आरएफ इज मार्केट का, तो आरएफ माइनस आरएफ मतलब एमआरपी, उसमें बीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ईआरपी, ईआरपी में तो रिस्क ले रहे हैं ना, इक्विटी रिस्क प्रीमियम, और आरएफ पे ऐड होगा, क्योंकि जब रिस्क 0 है तो भी तो मेरा कुछ रिटर्न है आरएफ, तो आरएफ प्लस आरएफ माइनस आरएफ इनटू बीटा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बोलो इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, यस और नो, ठीक है। एक और चीज मैं बस पहले बताना चाहता हूं, देयर विल एंड द क्लास, ठीक है, वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो समझ लेना, वेरियंस ऑफ पोर्टफोलियो का एकदम सिंपल फॉर्मूला, अगर मान लो दो एसेट है, अगर मान लो दो एसेट है तो हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला क्या करते हैं, वेट स्क्वायर इनटू वेरियंस, ठीक है, वेट स्क्वायर इनटू वेरियंस, वेरियंस ऑफ पोर्टफोलियो का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली पहले ये समझना कि क्या स्ट्रक्चरिंग होता है, जैसे मान लो एक्स ए क्या है, वेट ऑफ एसेट ए इंटू तुम्हारा आ जाएगा वेट ऑफ एसेट ए, कोई भी चीज का हो, वेट ऑफ एसेट ए तुम्हारा इंटू इसमें आएगा, अगर मान लो मैं ये निकालता हूं एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालता हूं अगर मैं, तो वेट ऑफ एसेट ए इंटू ई ए प्लस वेट ऑफ एसेट बी इंटू ई बी, तो एक्सपेक्टेशन में तो कोई भी आपस का कुछ भी नहीं है, बस खाली सिंपल है ये। तो अगर मैं वेरिएंस ऑफ रिटर्न का बात करता हूं तो हम लोग करेंगे वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एसेट ए प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एसेट बी, लेकिन खाली इसके लिए तो नहीं किए ना, पोर्टफोलियो मेंटेन क्यों किए, क्योंकि दोनों का कोवेरियंस है, क्योंकि दोनों का कोवेरियंस है, प्लस 2 इनटू वेट इनटू वेट इनटू कोवेरियंस एबी, ठीक है ना। एंड कोवेरियंस क्या होता है पता है, कोवेरियंस क्या होता है पता है, आर इनटू सिग्मा इनटू सिग्मा, आर मतलब क्या होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, याद है ना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू कोवेरियंस बाय रूट अंडर वेरियंस इनटू वेरियंस, याद है ना, स्टैट CS1 में वही है ये, कोवेरियंस इज व्हाट, रो आर एबी मतलब क्या, कोरिलेशन कोएफिशिएंट एबी का इनटू सिग्मा, तो वेरियंस का फॉर्मूला क्या बोलता है, वेट स्क्वायर इनटू वेरियंस, वेट स्क्वायर इनटू वेरियंस 2 इनटू वेट इनटू वेट इनटू
को वेरियंस। अब एक चीज समझना, एक बार फील दे रहा था, फीलर क्लास है ना ये, अगर को वेरियंस प्लस है, ये अगर को वेरियंस प्लस है, ये अगर को वेरियंस प्लस है तो मतलब कि तुम लोग बताओ ना कम किस में आएगा, प्लस में कि माइनस में, क्योंकि दोनों का, दोनों का माइनस समथिंग हो रहा है। अगर ये मान लो जीरो है, अगर ये जीरो है तो खाली ये आ रहा है ना, बट ये तो वेरिएंस है ना। अभी तुम लोग नहीं समझ पाएगा, एक बार चीज समझो, जैसे मैं बोलता हूं कोवेरिएंस जो है जीरो है, नेगेटिव है और पॉजिटिव है, खाली फील लो एक बार इस चीज का, खाली इस फॉर्मूला को देखो, फील लो, जब कोवेरिएंस जीरो है तो खाली ये है ना, हाँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है ना, तो अगर जीरो है तो ये वाला टर्म जीरो हो गया। अब जब हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे इसका, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे तो ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया ना, तो क्या सिंपली दोनों का वेरियंस ऐड हो रहा है, नहीं इससे कम आ रहा है ना, इससे कम आ रहा है ना, समझ गया अब हम क्या बोल रहे हैं। अभी यहाँ पर एक और एक चीज देखो, इससे मान लो मैं यहाँ पर पूरा रिप्लेस कर देता हूँ वेरियंस ऑफ रिटर्न में, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस टू इंटू वेट इंटू वेट इंटू आर इंटू सिग्मा इंटू सिग्मा, यही है हिसाब। अब मान लो आर है तुम्हारा माइनस वन, परफेक्टली नेगेटिव स्टॉक से ए और बी, तो ये क्या फॉर्मूला बनेगा बताना एक बार, एक्स ए सिग्मा ए माइनस एक्स बी सिग्मा बी का होल स्क्वायर, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ। और एक बार बताना, अगर सिग्मा ए और सिग्मा बी सेम है तो वेरियंस क्या हो गया, जीरो, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया, जीरो, रिस्क जीरो, तो कट रहे ना, कट रहे ना आर माइनस वन होने से। अगर मान लो आर प्लस वन है, आर प्लस वन है तो बीच में प्लस आ जाएगा, हाँ, तब तो डाइवर्सिफिकेशन कोई मतलब ही नहीं हुआ, कुछ मतलब ही नहीं हुआ ना, अगर परफेक्टली पॉजिटिव है वो, मतलब अगर तू 5% ऊपर तो मैं भी 5% ऊपर, तू 5% नीचे तो मैं भी 5% नीचे, तो क्या दिक्कत हो गया भाई, कोई मतलब ही, समझ रहे ना, ठीक है। यही अगर जीरो होता, अब जीरो में भी डाइवर्सिफिकेशन है, कैसे, इंडिपेंडेंट है ना दोनों, ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो हिसाब से तो क्या होना चाहिए, जब ए ऊपर नीचे कर रहे हैं, ए का जब बुरा वक्त अच्छा वक्त, लेकिन बी रिएक्ट नहीं कर रहे, बी का जब अच्छा वक्त बुरा वक्त, ए रिएक्ट नहीं कर रहे, तो यहां पर क्या होगा फिर उस समय, ये जीरो हो गया तो ये वाला का रूट होगा ना, ये वाला का रूट होगा तो कम हो रहा है ना, क्योंकि प्लस टू ए बी वाला टर्म होगा तब तो सेम आएगा, ठीक है ना। तो या तो अनकोरिलेटेड ढूंढो, या फिर नेगेटिव ढूंढो, या फिर ऐसा ढूंढो वन से तो कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना बढ़िया, उतना जोर का टनेगा। मैं और टनने का मतलब समझा देता हूं, ग्राफ से समझाएंगे बेटर समझ में आएगा। रफ बनाए, ठीक है, ये वाला जो होगा ना ये होगा माइनस 0.75 और ये वाला होगा तुम्हारा प्लस 0.75 कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्यों बोलो तो, ये पहला बात तो ये ऊपर बनाए, ये ऊपर क्यों बनाए बोलो तो, माइनस वाला ऊपर क्यों बनाए और वो इस तरफ टन रहा है, इस तरफ टन रहा है, इसका मतलब क्या है, वेरियंस कम आ रहा है क्योंकि नेगेटिवली कोरिलेटेड है, वेरियंस कम आ रहा है क्योंकि नेगेटिवली कोरिलेटेड है। अब दूसरा वाला देखो प्लस है, प्लस वाला नीचे, अरे भाई प्लस वाला में तो उतना कुछ फायदा नहीं आएगा ना, उतना कुछ फायदा तो नहीं आएगा, तो और वो देखो हल्का इस तरफ है, गैप देखो, गैप देखो, यहां पर सिग्मा है, यहां पर सिग्मा है, यहां पर देखो ना मिनिमम मिनिमम, ठीक है ना, हाँ क्लियर है, इसी के बीच में कहीं पर होगा जीरो वाला, क्लियर है, हाँ, इसी के थोड़ा और इधर आ जाएगा तुम्हारा वन वाला, इसी के थोड़ा और, अच्छा
और एक चीज है, अगर माइनस वन हो या फिर मैंने वीडियो में बताया चीज, माइनस वन प्लस वन में और भी बढ़िया है, समझ रहे ना? माइनस वन, अब जैसे मान लो शॉर्ट सेलिंग क्या है, इंडियन स्टॉक मार्केट में नियम क्या है कि अगर तुम कोई भी स्टॉक को शॉर्ट सेल करते हैं तो सेम डे तुमको उसको काटना पड़ता था। बट अगर सोचो शॉर्ट सेलिंग कैरी फॉरवर्ड होने लगे, अगर मान लो रो है तुम्हारा प्लस वन और अगर शॉर्ट सेलिंग कैरी फॉरवर्ड होता है तो बात तो बराबर ही है, क्यों बोलो तो? अगर रो प्लस वन है तो तुम ए को प्लस कर लो और बी को माइनस करो जिंदगी भर के लिए, क्या दिक्कत है? तभी तो ऑटोमेटिक ये माइनस वन हो गया ना, समझ गया? तुम ए को प्लस कर रहे हैं और ए को तुम माइनस कर रहे हैं जिंदगी भर के लिए, होता नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये चीज, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस चीज में क्या होगा ना, तुम्हारा एक में रिटर्न पूरा जाएगा, तो ये दोनों सिनेरियो सेम नहीं हुआ। माने अगर तुम रो प्लस वन है, तुम एक को खरीदे को बेच, पहले बात तो तुम बेच ही नहीं सकता है एक दिन के लिए, बस खाली तुमको सेम डे को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। बट फिर भी इसमें ड्रॉबैक्स है, क्योंकि तुम्हारा एक में पूरा एग्जैक्ट रिटर्न, मैंने बोला ना तुमको कि भाई अगर ठंड बहुत ज्यादा पड़ रहा है तो ऐसा नहीं कि लोग आइसक्रीम खाना ही बंद कर देंगे, खाएंगे, कम खाएंगे, ठीक है ना? तो दैट्स इट फॉर द डे, ठीक है? एकदम पूरा बढ़िया से सारा पूरा पोर्टफोलियो वाला पूरा तो बढ़िया से अभी वीडियो देखेगा। नेक्स्ट वीक का टारगेट हम लोग का क्या है सुन लो, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है? और जो फैकल्टी असिस्टेंट, मैंने इसमें पोर्टफोलियो को भी मैंने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है ना? 1, 2 था, 3 को उसका इंक्लूड कर दिया है। फैकल्टी असिस्टेंट का काम है कि वो 8 और 9 नेक्स्ट वीक तक पूरा एकदम अच्छे से करा देगा। उसके बाद में हम लोग का सिर्फ 2 बचेगा, 7, 6 और 7, वो हम लोग आराम से 2-3 हफ्ता में कर लेंगे, ठीक है? बट पहले ये हम लोग को कंप्लीट करना है, फिर ही इसमें हाथ देंगे। इससे मैं तुमको बता देता हूँ, इससे मोटा मोटी 20 मार्क्स का ही आता है, उससे ज्यादा का नहीं आता। ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, बट पहले इसको एकदम अच्छे से करना है, ठीक है? चलो, थैंक यू।